सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। लोग सवाल पूछते हैं कि आखिर जीवन में अध्यात्म की आवश्यकता क्या है, इसलिए आज हमने विषय के रूप में इसी को लिया है और इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या सचमुच हमारे जीवन में अध्यात्म की आवश्यकता है, और है तो किस प्रकार उसकी आवश्यकता है। इसके लिए हम गीता का आधार लेंगे आरंभ में। अगर मुझसे कोई पूछे कि धर्म ग्रंथ तो बहुत हैं, कृष्ण कहते हैं कि वेदों में जितने भी ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनमें मैं वेद हूँ, लेकिन मुझसे कोई पूछे कि जीवन से जुड़ा हुआ श्रेष्ठतम धर्म ग्रंथ कौन है, तो मैं निसंकोच कहना चाहूँगा कि जीवन से जुड़ा हुआ गीता से बढ़कर के कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। तो वहीं से अपनी बात शुरू करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो भी श्रेष्ठतम है वो परमात्मा है, वो मैं हूँ। हिमालय कहते हैं कि पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, और जितनी भी विद्याएं हैं, जितना भी ज्ञान है, कहते हैं गीता के अध्याय 10 श्लोक 32 में, अध्यात्म विद्या विद्या नाम, सभी विद्याओं में श्रेष्ठतम अध्यात्म है और विद्याओं में मैं अध्यात्म हूँ। अर्जुन पहले ही सवाल उनसे पूछ चुका है कि भगवान आप बार बार कहते हैं अध्यात्म श्रेष्ठतम विद्या है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अध्यात्म है क्या। किम अध्यात्मम, अध्याय 8 श्लोक 1, अध्यात्म है क्या। तो आओ फिर कृष्ण का जवाब सुनते हैं, अध्यात्म क्या है। भाग 8 में ही श्लोक 3 में कहते हैं कृष्ण, स्वभावो अध्यात्मम उच्यते। कहते हैं कि ये अपनी चेतना के स्वभाव को जानना अध्यात्म है। नहीं कह रहे पूजा पाठ अध्यात्म है, हर व्यक्ति के पास चेतना है, ये सब मानेंगे तो, लेकिन चेतना के स्वभाव से शायद ही कोई परिचित है। कहते हैं चेतना के स्वभाव को जानना अध्यात्म है। तो आओ हम जाने कि चेतना क्या है, चेतना के कितने तल हैं, चेतना का स्वभाव क्या है, और तब हम जान लेंगे कि फिर अध्यात्म क्या है, क्योंकि अध्यात्म चेतना का विज्ञान है। योग कहता है चेतना के 7 तल हैं, और 7 तल 7 चक्रों पर आधारित है। आप सबने सुना होगा योग 7 चक्रों की बात कहता है। मूलाधार चक्र है, उससे शरीर है, और शरीर से कर्म होता है, और हर तल की एक चेतना है, और हर चेतना से संबंधित एक योग है। जैसे मैंने कहा मूलाधार चक्र से शरीर गवर्न होता है, शरीर से कर्म है, और कर्म से कर्म योग है, अर्थात कर्म का जो विज्ञान है, कर्म से संबंधित जो आध्यात्मिक साधना है कर्म योग है। ऐसे ही चेतना का दूसरा तल इंद्रियां हैं, सेंसेज है, इंद्रियों का फंक्शन भोग है, और भोग से संबंधित जो योग है वो तंत्र योग है। लेकिन कृष्ण ने तंत्र को स्वीकार नहीं किया, हम बताएंगे क्यों नहीं स्वीकार किया। उन्होंने कहा आत्म संयम योग, और गीता का पूरा जो 6 अध्याय है वो इंद्रियों को संयमित कैसे करें, उन्होंने नाम दिया आत्म संयम योग। फिर तीसरा तल प्राण है, जिसे सांस चलती है, और सांस से जो संबंधित योग है उसको कहते हैं हठ योग, हम ठम। हम कहते हैं बाईं तरफ से सांस चलती है,
अष्टम कहते हैं, दाहिनी तरफ से सांस चलती है, उसको हठ योग कहते हैं। फिर चौथा तल हृदय है, हृदय से प्रेम है, और प्रेम से संबंधित जो योग है वो भक्ति योग है। उसी तरह पांचवा जो चक्र है विशुद्ध चक्र है, कंठ चक्र उसका बटन है, उसके पीछे है, और उससे हमारा मन है, चेतना का तल मन है, और मन से जो संबंधित योग है वो ज्ञान योग है। उसी तरह छठा चक्र आज्ञा चक्र है, उससे संबंधित जो तल है उसका नाम इंडिविजुअलिटी है, अस्मिता है, एमनेस है, और वह उससे संबंधित ध्यान है, और ध्यान से संबंधित ध्यान योग है। और फिर सातवां चक्र हमारा सहस्रार है, ब्रह्मरंध्र के ठीक नीचे है, जो पीनियल ग्लैंड है उसके पास है, और उससे हमारी आत्मा संबंधित है, और आत्मा से संबंधित जो योग है वो सांख्य योग है और सहज योग है। गीता अध्याय 4 श्लोक 11 में ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, कहते हैं कि मेरे प्रति जो जैसा भाव रखता है मैं उसके लिए वैसा ही रिस्पॉन्स देता हूँ। क्या भाव रख सकता है आदमी? तीन प्रकार के भाव रख सकता है। पहला, कृष्ण स्वयं घोषणा कर रहे हैं, कहते हैं कि ईश्वर परिणिधान जो कर देते हैं। ईश्वर परिणिधान क्या है? तीन प्रकार से किया जा सकता है। पतंजलि ईश्वर परिणिधान की चर्चा करते हैं, अर्थात ईश्वर के प्रति तुम समर्पण कर दो। कैसे समर्पण कर सकते हो? पहला, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कहते हैं अध्याय 2 श्लोक 47 में, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम अगर ऐसा भाव रखो कि कर्म करने का हमारा अधिकार है, फल जो होना होगा होगा, तो हे अर्जुन मैं उसके लिए वैसा ही करता हूँ कि फिर फल कभी अनुकूल देता हूँ कभी प्रतिकूल देता हूँ, एक बैलेंस करता हूँ, जितना उसके जीवन में अनुकूल होता है उतना ही प्रतिकूल होता है, और संतुलन के नियम से उसका जीवन संचालित करता हूँ। लेकिन एक कदम और, कुछ और आगे जब तुम बढ़ते हो, थोड़ा भक्त हो जाते हो, तो गुरु अर्जुन देव जी की तरह तुम एक दूसरा भाव लेकर के चलते हो। क्या भाव होता है? कहते जो तुम करहु सोई भल हमरे। गुरु अर्जुन जी कहते कि अब अनुकूल प्रतिकूल की बात ही खत्म हो गई, हमें क्या पता क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है, हे गोविंद जो तुम करते हो वही हमारे लिए अनुकूल है। आज भले हमें प्रतिकूल लगता है, मगर एक दिन हमें अनुभव में आ जाएगा कि जो कल प्रतिकूल लगता था वह आज अनुकूल है, और आज जो प्रतिकूल लगता है वह हम एक दिन जानेंगे कि वह कल प्रतिकूल है। कृष्ण कहते हैं कि मैं उसके लिए ऐसा आयोजन कर देता हूँ। कहते हैं ईश्वर प्रणिधान का तीसरा चरण क्या कहते हैं? जे करावे से करना। गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं तीसरा चरण, जे करावे से करना और नानक दास तेरी शरणा। फल का नियंता तो है ही, कर्म भी हमें क्या करना है, उसके भक्तों को क्या कर्म करना है, यह भी वही नियंता हो जाता है। कैसे? कृष्ण समझाते हैं कि जो मुझे अपना स्वामी मान लेता है और अपने को अपना मेरा दास मान लेता है, तो हर स्वामी क्या कर्म उसके सेवक को करना ये स्वामी देखता है, क्या उसका पुरस्कार देना है फल देना ये भी स्वामी देखता है। ठीक ऐसे ही जो मुझे अपना स्वामी समझ लेता है उसे क्या कर्म करना है ये मैं निर्धारित करता हूँ, और उसको क्या फल देना है ये भी मैं निर्धारित करता हूँ। ये अद्भुत घोषणा कृष्ण कह रहे हैं। तो फिर क्या होता है? ऐसे कर्मयोग का, इसको कहते हैं निष्काम कर्मयोग, अर्थात आत्मस्मरण के साथ कर्म करो और ईश्वर प्रणिधान करो। जो भी कर्म करो आत्मस्मरण के साथ करो, आत्मस्मरण अर्थात अपनी याद के साथ करो, अपना अपनी आत्मा को भी इन्वॉल्व करो। हमारे ओशोधारा में कुछ लोग हैं, हमारे
शैलेन जी यहाँ विद्यमान है, एक मिनट में 7 बार से ज़्यादा सांस ही नहीं लेते हैं। तो चलो तुम 10 बार कर लो, तुम 15 बार तक आओ, इससे क्या लाभ होगा? इससे लाभ ये हो जाएगा कि तुम स्वस्थ रहोगे। 3 लाभ मिलेंगे गहरी सांस के, 3 लाभ मिलेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक स्वामी निकलंग जी आए थे, हमारे शैलन जी के बड़े भाई हैं, तो मैंने कहा कि आप इतने स्वस्थ हो, आपको कोई बीमारी नहीं है? उनका ना, मेरे को तो कोई बीमारी नहीं है। उनके आप क्या भोजन में कुछ परहेज करते हो? उनका नहीं, भोजन में परहेज करता, वेजिटेरियन खाता हूँ मगर सब कुछ खाता हूँ। मैंने कहा तो क्या आप बहुत व्यायाम करते हो? उनके नहीं, मैं कोई व्यायाम नहीं करता। तो मैंने कहा क्या बहुत सैर सपाटे करते हो? बल्कि नहीं नहीं वो भी नहीं करता। मैंने कहा आप करते क्या हो? मतलब कुछ नहीं करता हूँ, 1 मिनट में 7 बार सांस लेता हूँ। अब सोचो कितनी गहरी बात है, कितना गहरा राज है। इसलिए हठ योग का उद्देश्य है कि गहरी सांस लो और फिर जो इसके 3 लाभ हैं, जैसे मैंने कहा हर योग के 3 3 लाभ का उल्लेख करूँगा। क्या क्या लाभ है? पहला लाभ है स्वास्थ्य, स्वस्थ रहोगे। दूसरा क्या लाभ है? तुम्हारे भीतर एक साहस का जन्म होगा। और याद रखना, जीवन चुनौती पर आधारित है, यह सृष्टि चुनौती पर आधारित है। कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव हो, मनुष्य हो, जीव जंतु हो, चूँकि सृष्टि चुनौती पर आधारित है, इसलिए हर व्यक्ति को चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यही सृष्टि का आधार है। और जिसके जीवन में साहस है वही चुनौतियों का हंसते हंसते मुकाबला करता है। जो हठ योग की साधना करता है वो हंसते हंसते चुनौतियों का मुकाबला करता है। और तीसरा जो लाभ है निर्भयता है। हठ योग का साधक जो गहरी सांस लेता है वो कभी भी भयभीत नहीं होता, करीब करीब वो मृत्यु का विजेता हो जाता है। चौथी चेतना, चौथा तल हमारा है हृदय, और हृदय का जो कर्म है वह है प्रेम, और प्रेम से जो संबंधित जो योग है वो भक्ति योग है। भक्ति योग का साधक अद्भुत होता है। भक्ति योग हमेशा पॉजिटिव देखती है, जो नहीं है उसको हृदय नहीं देखता, ये हृदय का स्वभाव है। जो पॉजिटिव जो है बस उसी को भक्त देखता है। इस पॉजिटिव होने का श्रेष्ठतम तरीका भक्ति योग है, कि उस पर नज़र होना। सामान्यतः क्या होता है, जो हमारे पास नहीं है, गौतम बुद्ध कहते हैं, गौतम ने कहा भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूल हो, जो है उसका करता न मान, जो नहीं मिला तो परेशान, मन है अशांत तो जो भी करो आएगा दुख अनिवार्य हो। लेकिन भक्त तो नेगेटिव देखता ही नहीं, जो है उसमें परम सौंदर्य देख लेता है। गजब का भक्त होता है, लाख मुखड़े मिले और मेला लगा, रूप जिसका जचाओ अकेला लगा, रूप ऐसे न कोई समारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। जिससे तुम प्रेम करते हो वो सर्वाधिक सुंदर हो जाता है, और नहीं सुंदर होता है तो उसके सौंदर्य में कुछ कमी नहीं होती, तुम्हारे प्रेम में कमी होती है। ये प्रेम की आँख है जो किसी को सुंदर बनाती है। इसलिए भक्ति योग की श्रेष्ठतम उपलब्धियाँ क्या क्या है, 3 लाभ इसमें है। पहला अहोभाव, शिकायत विदा हो जाती है, एक थैंकफुलनेस जीवन में आता है, एक धन्यवाद भाव आता है। दूसरा क्या है, प्रेम, तुम्हारी नज़र प्रेम की हो जाती है, सबके प्रति तुम प्रेमपूर्ण हो जाते हो। और तीसरा क्या है, प्रेमी हमेशा उमंग से भरा होता है, हमेशा उमंग में रहता है, कभी भी उसको बोरियत नहीं होती। आजकल के तो बच्चे भी हमसे कहते हैं कि बोर हो गए, पहले कम से कम बच्चे बोर नहीं होते थे, अब बच्चे भी बोर होने लगे हैं, और जीवन में कोई नयापन है ही नहीं, तो फिर डिप्रेशन आ जाता है, लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, प्रकृति से लोग कट जाते हैं। लेकिन भक्त हमेशा उमंग में रहता है, किसी भक्त को देखो मौजे मौज है, कहत गुलाल सदगुरु बलिहारी मौजे मौज हमार, हमेशा भक्त मौज में रहता है। तो ये भक्तियों की 3 उपलब्धियां हैं। 5वां तल है मन, और मन जो है इसका जो गुणधर्म है वो है विचार, वो है सम्मान, वो है मैत्री। लेकिन मन हमेशा निगेटिव चीज़ों को देखता है,
अभी गौतम बुद्ध की बात हम कर रहे थे, गजब का मन है ये, जो नहीं है पर उसको देखता है, इसलिए क्या हो जाता है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये सब निगेटिविटी है। इससे संबंधित जो योग है उसका नाम ज्ञान योग है। ज्ञान योग में तुम काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये जो छः षट रिपु जिसको कहा जाता है, इससे तुम मुक्त कैसे होगे। और सबसे बड़ी बात जो कृष्ण कह रहे हैं, रजोगुण और तमोगुण, इसको तुम समझते हो, जिसको ओशोधारा में इतना रिसर्च किया गया, ए ग्रुप की भूत प्रकृति, बी ग्रुप की भूत प्रकृति, अपनी प्रकृति को तुम स्वयं जानते हो, जिन लोगों के बीच में तुम रहते हो उनकी भूत प्रकृति को जानते हो। और जब अपनी प्रकृति को जान लेते हो तो तुम्हें ये भी पता हो जाता है कि हमें क्रोध किस पर आता है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए कि तुम, आई विल डोमिनेट तुम्हारी प्रकृति, कि मैं हावी होऊंगा, अब तुम्हें पता है कि मुझे सलाह देने की आदत है, बिना मांगी मैं सलाह दूंगा, जो मेरी सलाह नहीं दूंगा, सलाह नहीं सुनेगा उस पर मुझे गुस्सा आएगा, तुम्हें पता है। तो पहली बात कि अनामंत्रित सलाह मत दो, और अगर दो तो तैयार रहो कि कोई तुम्हारी सलाह मानेगा कोई नहीं मानेगा, इसमें गुस्से की कौन सी बात है। ऐसे तुम बी ग्रुप के तमस गुण के अगर हो, और यू कैन नॉट डोमिनेट, तुम मुझ पर हावी नहीं हो सकते, ये तुम्हारी प्रकृति है, तो क्या होगा, तुम्हें पता है अब सलाह तुम्हें पसंद नहीं है। जैसे ही पिताजी ने, बॉस ने सलाह देना शुरू किया, तुम देख लो अब मुझे गुस्सा होगा, अब ये सलाह देना शुरू किया। तो थोड़ा प्रेम से सम्मान से सुनो, मानना ना मानना तुम्हारी तुम्हारी तुम्हारे ऊपर निर्भर है, सुनने में क्या जाता है। वैसे भी प्रेम से सबको सुनो, सूफी बाबा हमसे अक्सर कहा करते थे, ना तो हम बोलते हैं ना तो तुम बोलते हो, एक माटी का पुतला बनाकर उसमें खुद ही खुदा बोलता है। अरे सम्मान से सुनने में क्या जाता है। बोलता था नार में और नूर में, था अनलहक बोलता मंसूर में, बोलते को बोलते की चाह है, बोलते में पूछो तो अल्लाह है, बोलता अगर जिस्म से जाता रहा, बोलते को बोल क्या लाता रहा। ये सारे नाते रिश्ते तो बोलने से हैं, तो सम्मान से सुनना शुरू कर देते हो और इस तरह अपने प्रकृति के प्रति जागे हुए जियोगे तो क्या फ़ायदा होगा। तीन मुख्य लाभों की चर्चा करूँगा। क्या पहला लाभ होगा कि तुम क्रोध से मुक्त हो जाओगे। क्या तुम्हें पता है कि गुस्सा किस बात पर आता है, पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, अब तुम समझ जाओगे इस बात को। और दूसरा, सबसे तुम्हारे मधुर संबंध हो जाएंगे, क्योंकि अब तुम सतोगुणी प्रवृत्ति को हो गए। बिना सतोगुणी हुए, बिना दोनों प्रकृतियों के मध्य में ठहरे हुए, कोई किसी का संबंध मधुर हो ही नहीं सकता। और तीसरा कि तुम सबको सम्मान देना शुरू करोगे। और प्रतिध्वनि का नियम कहता है, जो तुम दोगे वही सौ गुना हो करके लौट करके आता है। जैसे तुम पर्वत के शिखर पर खड़े होकर के और तुम ओम अगर कहो तो हजार हजार ध्वनियाँ लौटती हैं। तो जिसको तुम सम्मान देना शुरू करो, जगत में जो तुम पाना चाहते हो तुम देना शुरू करो, हजार गुना वही तुम तक लौट करके आता है। तो तीन बड़े लाभ ज्ञान योग के हैं। और फिर छठा तल अस्मिता है। अस्मिता अर्थात हमारी इंडिविजुअलिटी, अनकंडीशन्ड कॉन्शसनेस, जो तुम्हारा निराकार है उससे ये संबंधित है। और इससे संबंधित जो योग है वो ध्यान योग है, अर्थात अब अपने निराकार के प्रति जानो, जागो, जिसको विवेक कहते हैं। यहाँ विवेक पैदा होता है, यहाँ प्रज्ञा पैदा होती है, यहाँ पर विजडम पैदा होता है। और अपने विवेक के तल पर के एक निरक्षीर विवेक पैदा होता है, क्या सार है क्या असार है जीवन में, इसको समझना शुरू कर देते हो। और जब विवेक पैदा हो जाता है तो उसके तीन लाभ होते हैं। क्या क्या? तुम्हारे भीतर एक संकल्प पैदा होता है। इसके पहले मन के तल पर जो जीता है वो एनालिसिस में जीता है, एक्सट्रीम पर जाता है, आइदर फाइट और फ्लाइट, पेंडुलम की तरह एक्सट्रीम पर जाता है रहता है। मन के तल पर जीने वाला व्यक्ति कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता, लेकिन जो विवेक के तल पर के जीता है वो हमेशा सही निर्णय लेता है, इंट्यूशन से लेता है। और ये महिलाओं में बड़ी शक्ति है इंट्यूशन की। इसलिए अगर पुरुष 10 निर्णय लेगा तो 9 तो गलत होगा ही,
लेकिन महिलाएं 10 निर्णय लेगी तो 9 सही होगी ही होगी, होगा ही होगा। इसलिए मैं पुरुषों से सलाह देता हूँ कि कोई प्रॉब्लम हो तो अपनी पत्नी से पूछ लो क्या करना, वो जो कहेगी वो करो और तुम जीवन में सफल हो जाओगे। तो 3 लाभ है प्रज्ञा पैदा होने से, इंट्यूशन पैदा होने से। क्या? पहला, संकल्प पैदा होगा, और दूसरा, सफलता पैदा होगी जीवन में। क्यों? संकल्प से सफलता मिलती है, और सफलता मिलने का कोई उपाय नहीं है। और तीसरा, तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास पैदा होता है, तुम्हारे भीतर ऐसा संकल्प उभर के आता है कि हम किसी भी काम को कर सकते हैं, ऐसे संकल्प का उदय होता है। और आखिरी तल, आत्मा का तल। अब आ गया शिखर, आ गया अध्यात्म का शिखर, आ गया, और आत्मा के तल से जो संबंधित योग है उसका नाम है सांख्य योग। और आत्मा के भीतर जो गुण है, क्या गुण है? आत्मा में नाद की झनकार हो रही है, आत्मा में नूर जगमगा रहा है, आत्मा में अमृत तत्व का खजाना है, आत्मा में चैतन्य है, आनंद है, प्रेम है, ये दिव्य गुणों की भरमार है। और ये जो ओंकार से संबंधित योग है ये सहज योग है। तो आत्मा के तल पर 2 योग है, सांख्य योग है, सहज योग है। लेकिन असली बात, सांख्य योग क्या करेगा, सहज योग क्या करेगा? ये आत्मा का स्वभाव क्या है? जागरूकता है, अवेयरनेस है। 99.9% लोग इस दुनिया में बेहोशी में जीते हैं, जागरण घटित नहीं होता, सोए सोए पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। और एक बहुत बड़ी चीज़ से वे चूक जाते हैं, जबकि कैसे जागरूक हो इस ज्ञान को सांख्य योग बताता है, इस ज्ञान को ध्यान योग भी पार्टली बताता है। लेकिन सहज योग जागरूकता का महानतम योग है। कैसे जागेंगे, मैं बहुत संक्षिप्त में तुमको बता देता हूँ। पहला जागरण बोध है। बोध का क्या अर्थ हुआ? अर्थात बहिर्जगत में कैसे जागे हुए जियोगे। बड़ा आसान फॉर्मूला देता हूँ। विनोद खन्ना ने ओशो से पूछा था कि बाहरी जगत में कैसे जिए। ओशो ने कहा, जीवन को अभिनय की तरह जियो और अभिनय को जीवन की तरह जियो। जीवन को अभिनय की तरह जियो क्या मतलब हुआ? हम अपने संबंधों में जीते हैं। संसार का मतलब हमारे संबंध, याद रखना। ये 7 अरब की आबादी हमारा संसार नहीं है। ये जो जिन रिश्तेदारों के बीच, परिवार के बीच, जहाँ वर्क प्लेस है हमारा, जहाँ हम जीते हैं, वही हमारा संसार है। तो क्या करना है? अपने संबंधों के अनुसार तुम अभिनय करो। तुम बेटा हो, अपने पिता के सामने विनम्र रहो, रिस्पेक्टफुल रहो। तुम अपनी पत्नी के सामने पति हो, पति की भूमिका करो। अक्सर मैं कहता हूँ, कोई 2 दोस्त है, रामलीला हो रही है, एक राम बना है, एक रावण बना है। अब राम कह रहा है कि रावण, तूने मेरी पत्नी को चुराया है, मेरी पत्नी को लौटा दो, हम धन्यवाद देंगे, चले जाएंगे। अगर रावण को अपनी भूमिका भूल गई, वो असलियत पर आ गया कि हम तो दोस्त हैं, तो क्या बोलेगा? कहेगा, मैंने कब तुम्हारी पत्नी को चुराया भाई, तू तो मेरा दोस्त है। नहीं, उस समय वो रावण है, उसको कहना होगा कि नहीं दूंगा, क्या करोगे? अपनी भूमिका। ऐसी तरह जब पत्नी के सामने हो तो पति की भूमिका निभाओ, तुम अपने असलियत पर मत आ जाओ। तुम पत्नी हो तो पत्नी की भूमिका निभाओ, तुम अपनी असलियत पर मत आ जाओ। और अगर इस तरह तुम संसार में जियोगे तो देखोगे कि तुम बोध में जी रहे हो। फिर और अगला क्या है? अब दृष्टा, अर्थात अंतर जगत में जो चल रहा है, विचार चल रहा है, इमोशंस चल रहे हैं, क्रोध आ रहा है, तुम अपने भीतर अंतर जगत में जो हलन चलन, जो कंप है, उसके प्रति जागो, तब तुम दृष्टा हो गए। एकापोल का नाम तुमने सुना होगा। 2018 में कोच था थाईलैंड का, अपने 12 जो प्लेयर्स थे उसको लेकर के गुफा में चला गया 23 जून को, और 8 जुलाई को पता चला कि लोग गुफा में हैं, क्योंकि गुफा में बाढ़ आ गई, वो निकल ही नहीं पाया। उसको रेस्क्यू किया गया 8 जुलाई 9 जुलाई। जब 8 जुलाई को पहुंचे लोग, तो एकापोल ने कहा, पहले मेरे बच्चों को निकालो, मुझे अंत में निकालना।
तो लोगों ने कहा कि तुम्हारे लिए तब तक 2-3 दिन तो लग जाएंगे, कुछ चाहिए क्या? बोला कि हमारे लिए चेस ला देना, तब तक खेलेंगे। अंधेरी गुफा है, कल्पना करो, भूखे हैं, प्यासे हैं, अंधेरी गुफा है, और वहाँ एक आपुल कह रहा है कि थोड़ा चेस खेलने का मन कर रहा है। और जब सब बाहर निकाले गए, उसमें एक नेवी सील एक डूब करके मर गया, और जब निकले सबका हेल्थ टेस्ट हुआ, मेंटल टेस्ट हुआ, और पाया गया कि वो 12 बच्चे उसके और वो कोच पूरी तरह फिट फिजिकली मेंटली। आखिर हुआ क्या? वह गुफा में बस दृष्टा बना रहा और सब बच्चों को कहा कि दृष्ट जो भी हो रहा है, भय हो रहा है, मृत्यु भय हो रहा है, शांत होकर के देखते रहो। और इतनी बड़ी घटना, तुम कल्पना करो, सिहर उठोगे, लेकिन एक्का पोल अपने सभी पूरी टीम के साथ सुरक्षित बाहर निकला और कोई भी मेंटली या फिजिकली उस पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। तीसरा, अब और भीतर अपना जो निराकार है, ध्यान से निराकार के प्रति जागो। अभी अंत में माँ ध्यान कराएंगी, उसमें बताएंगे कि ध्यान कैसे किया जाता है, और फिर और भीतर साक्षी होकर के, अर्थात अब आत्मस्मरण के साथ तुम कर्म करो, साक्षी हो जाओगे। अब और भी थोड़ा गहरे जाओ तो तथाता, सब्जेक्टिव अवेयरनेस, वहाँ पर क्या होता है कि तुम अपने को जान लेते हो कि मैं आत्मा हूँ, और बाहर के कंप का, बाहर के हलचल का कोई भी प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ता है। जैसे समंदर में थोड़ी गहराई में चले जाओ तो लहरें ऊपर ऊपर हैं, भीतर तो समंदर बड़ा शांत होता है। ऐसे ही तुम अपने भीतर आत्मा के तल पर जब जीना शुरू करते हो तो पूरी बात ही बदल जाती है। वहाँ कोई लहर है, न कंप है, न कोई चिंता है, न कुछ है। और फिर और थोड़ा चलो गहरा, समाधि, जस्ट अवेयरनेस में चले जाओ, और उस समाधि में तो कुछ बचता ही नहीं है। उस समाधि में जहाँ बाहर का कोई, वहाँ तो नाद नूर का भी पता नहीं होता, किसके प्रति जागरूकता इसका भी बोध नहीं रहता, तो वहाँ परम आनंद में विश्राम की घड़ी आ जाती है। और आखिरी सुमिरन, परमात्मा को जान लेते हो, ब्रह्म को जान लेते हो, ब्रह्म की याद में जीना शुरू करते हो, और फिर तो जिसके लिए शंकराचार्य कहते हैं कि बहिर पूजा धमा धमा, चार धामों की जिन्होंने स्थापना की वे शंकराचार्य करते हैं कि तुम यात्रा शुरू तो करो कहीं से, पूजा से ही शुरू करो। हिंदू हो तो मंदिर जाओ, मुसलमान हो तो मस्जिद जाओ, ईसाई हो तो चर्च जाओ, सिख हो तो गुरुद्वारे जाओ, शुरू करो, लेकिन बहिर पूजा धमा धमा, नर्सरी और केजी की बात हो गई। फिर स्तुति जप अधमो भावो, अब प्राइमरी स्कूल में आना है तो थोड़ा स्तुति करो, भजन करो, व्रत करो या जप करो, और फिर थोड़ा और आगे बढ़ो, ध्यान भावश्चु मध्यमा। अब थोड़ा मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में चले आओ, जरा ध्यान करो, निराकार के प्रति जागो, और अंत में कहते हैं उत्तमो ब्रह्म सद्भावो। अंत में क्या कहते हैं? ब्रह्म भाग को जानो और ब्रह्म में स्थित हो जाओ, ब्रह्म को याद करो, ब्रह्म को प्रेम करो, उत्तमो ब्रह्म सद्भावो, ब्रह्म का सुमिरन में जियो, ये अध्यात्म का शिखर आ जाता है। ऐसे सुमिरन में जो प्रतिष्ठित हो जाता है, ऐसे सहज योग में जो स्थित हो जाता है, तो या पूरा जो आत्मा के तल पर मैंने बात की, बोध, दृष्टा, ध्यान, साक्षी, तथाता, समाधि, सुमिरन, इसका क्या लाभ होता है? जीवन में 3 मुख्य बातें घटित हो जाती हैं। पहला, शांत हो जाते हो, परम शांत, परम विश्राम हो जाते घटित होता है। दूसरा क्या होता है? आनंद घटित होता है। आनंद सुख नहीं है, सुख के लिए तुम बाहर पर निर्भर हो। आनंद का मतलब हुआ ये तुम्हारा मूल स्वभाव है, उससे तुम परिचित हो जाते हो, हमेशा आनंदित रहते हो। और तीसरा लाभ क्या तुम्हारे जीवन में प्रतिफलित होता है? जीवन उत्सवमय हो जाता है, जिसके लिए चंडीदास कहते हैं, आनंद अमार गोत्र, उत्सव अमार जाति। ऐसा जीवन हो जाता है, जिसके लिए ओशो चंडीदास पर बोलते हुए कहते हैं कि यही मेरा भी संदेश है,
जो चंडीदास का संदेश है यही मेरा भी संदेश है, आनंद मार्गोत्र उत्सव मार जाति। अगर अध्यात्म के मार्ग पर तुम चलते रहे तो एक दिन तुम्हारे जीवन में भी ये संपदा मिलती है, तुम्हारे जीवन में भी ये घटित हो जाता है कि भीतर तुम आनंद में रहते हो, आँख बंद रखते हो तो आनंद है, आँख खोलो तो उत्सव ही उत्सव है, और तब तुम भी गुलाल साहब की तरह कहने लगते हो, कहे गुलाल सदगुरु बलिहारी मौजे मौज हमार, मौजे मौज हमार। ऐसे आनंद और उत्सव से भरी जीवन शैली का नाम है अध्यात्म। अब जज तुम्हें करना है कि क्या तुम्हारे लिए अध्यात्म की ज़रूरत है अथवा नहीं है, ये निर्णय मैं तुम पर छोड़ता हूँ। हरि ओम तत्सत। ओशो के सपनों